हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम करते हैं पेड़ पौधों संबंधित बातचीत। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी होने वाली है इस टॉपिक पे। यहाँ पढ़ सकते हो उसका नाम डॉक्टर नीम प्लस, आपका जो इफ्को का प्रोडक्ट है। मैंने बहुत टाइम से इन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी के पर्पज़ से ये चैनल बनाया कि आप लोगों को, सभी लोगों को इस तरह की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिले। तो आज ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया है और मैं आपको इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ गुड प्रोडक्ट एंड बहुत ही अच्छा है आपके लिए, फ़ायदेमंद। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, पहले डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसको हम विवरण कहते हैं कि किस प्रकार से इसको हम पौधों में क्या क्या मतलब है, क्यों यूज़ करेंगे। तो भाई देखो, इसका मतलब है, इसको मैं आप शुरू कर देता हूँ वीडियो को, वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए भाई इसको करना पड़ेगा। तो लिखा है, डॉक्टर नीम प्लस इज यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स प्लांट्स फ्रॉम सकिंग पेड्स, जो मतलब पौधों को चूसने वाले सकिंग प्लांट सकिंग पेड्स जो चूसने वाले कीड़े होते हैं ये आपकी, उसको आपको ये ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सच एज मिलीबग्स हो गई एंड एफिड करके एक आता है एफिड माइट्स, इस पर लिखा है एफिड माइट जो है वो है, इनको आराम से ख़त्म करने के काम में ये आते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखा है मिट्स अ फर्स्ट ऑफ द काइंड कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है इट इज़ बिंगिंग फॉर एक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम नीम, नीम है इसके अंदर। ठीक है, एक है पोगोमिया जो है वो बहुत ही पुरानी प्रजाति है पौधों की, जिसको पहले किंजर के नाम से लोग जानते हैं, अब हम लोग तो नहीं जानते होंगे। पुराने समय में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ रहा होगा ये, इसीलिए इसको उसमें यूज़ किया गया। एंड लेमन ग्रास से तीनों चीज़ों का, अब लिखा है तीनों चीज़ों का लेवरेजिंग गुडनेस ऑफ ऑल थ्री इन सिंगल प्रोडक्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक तरह से आपको मिल रहा है इसके अंदर। नीम ऑयल भी है आपका, और आपका लेमन ग्रास भी है, और जो पोगामिया मैंने बताया वो प्रोडक्ट भी इसके अंदर जो है, इसका ऑयल इसके अंदर मिश्रित है, जो कि आपके पेड्स यानी कि बैक्टीरिया एंड कीड़े चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनको मारने में, उनको किल करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद है इसका बेनिफिट एंड सॉरी होगी और लिवरिंग गुडनेस ऑफ थ्री एंड सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट तीनों का है। एंड फॉर हायर इफेक्सी एंड टू हाई लार्ज वेराइटी ऑफ पेड्स, जो पेड्स की मतलब पेड्स मतलब भाई जो आपके चूसने वाले कीड़े हैं उनको, जो हाई लेवल की भी मतलब ऊँचे लेवल के भी हैं उनको भी मारने के काम में ये आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से आप शक्ति समझ लो, तीनों की तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उनके अंदर पावर बढ़ जाती है उस तरह से। एक स्पेशली नीम ऑयल हो गया तो वो नीम ऑयल अपना काम करेगा, लेमन ग्रास ऑयल अपना काम करेगा, एंड जो पिगमिया का ऑयल है वो अलग अलग होता मतलब एक तरह से मार्केट में, पर यह आपका कॉम्बिनेशन सेट है तो आपका एक ही आप कर देगा पौधे को स्वस्थ। ठीक है, उसके बाद आता है बेनिफिट, तो भाई इंग्लिश अपनी कमज़ोर है तो थोड़ा सा ध्यान देना अपने भाई पे। ठीक है, बेनिफिट्स में आते हैं आपके ट्रिपल एक्शन नीम पोर्ने वही यार पोगमिया एंड द लेमन ग्रासेस का ये मिश्रण है, एंड उसका मतलब हुआ आपका इसमें आपका नीम पोगमिया एंड लेमन ग्रास ट्रिपल एक्शन फार्मूला आपका तैयार है। उसके बाद आता है आपका नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम पेड्स, जो आपके प्राकृतिक कीट हैं उनसे भी ये सुरक्षा करेगा आपका, जो होते हैं छोटे 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 मोटे जो भी पौधों में बैठ जाते हैं तो उनसे भी आपकी सुरक्षा करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडी स्प्रेड एज यूज इजी टू यूज, मतलब एक तो रेडी है और दूसरा इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो भाई देखो, इसका यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको आपको लेना है अभी आगे, सॉरी आगे आगे इसमें पता चलेगा, मतलब यूज़ करने का तरीका अभी आगे पता चलेगा इसके बारे में कि कैसे कैसे है। उसके बाद लिखा है इसमें भाई
राइट इट कैन बी यूज अलॉन्ग अलॉन्ग विथ एनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्प्रे, मतलब आप इसको ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ भी यूज कर सकते हो, एंड अनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, कार्बनिक इंग्लिश में कार्बन कार्बनिक एंड अकार्बनिक के साथ भी यूज कर सकते हो, रासायनिक तत्वों के साथ भी इसको यूज कर सकते हो आप। परंतु मैं सलाह दूंगा कि भाई इसको डायरेक्ट ऐसे यूज करो, फंडा इसमें बढ़िया है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हो। उसके बाद लिखा है सुटेबल फॉर इंडोर आउटडोर प्लांट्स, ये आपके इंडोर आउटडोर प्लांटों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, उसमें यूज कर सकते हो, एंड फूल वाले पौधों के लिए भी है उपयुक्त। इसमें लिखा है इंग्लिश में फ्लावरिंग प्लांट किचन गार्डन एंड ट्री ट्री के लिए फायदेमंद है, एंड लॉन इट इसी लॉन में भी अगर आपके चूसने वाले कीड़े या कीड़े किसी भी तरह के हो रहे हैं तो आप बस आपको इसका यूज़ कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन फॉर यूज, इसका यूज़ करने का तरीका क्या है। तो भाई चीज़ ले ली, चीज़ के बारे में हमने जानकारी ले ली, अब दिस इज़ ए यूज़ करने का इसका तरीका। तो इसका यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है। सेक वेल बिफोर यूज, इसको आपको जब भी आप इसको यूज करोगे तो सबसे पहले आपको उसको ऐसे से हिलाना है बढ़िया करके, जब इतना बढ़िया करके आपने हिला देना है इसको। उसके बाद में लिखा है अनलॉक द नोजल एंड इनफॉर्मल स्प्रे ऑन द प्लांट्स लीव, इसमें ये लॉक है, ठीक है, ये अंदर एक लॉक है तो इसको आपको खोल देना। देखो ये आवाज आई थोड़ी सी, ये आवाज आई, तो इसको इसको खोल देना है, खोलने के बाद आपका ये स्प्रे चलने लगेगा, ठीक है। और इसको आपको लीव्स मतलब पत्तों के ऊपर बढ़िया करके एक समान छिड़काव करना है पौधों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसके ऊपर अनलॉक नोजल हो गई, रिपीट एवरी 7 एंड 10 डेज फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपका कारीगर है ये, बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको इसको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको 7 दिन में एक बार पौधे के ऊपर स्प्रे करना है, मतलब 7 दिन में कर दिए फिर 7 दिन में करना, अन्यथा अगर बाई चांस 1-2 दिन का लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप 7 दिन के गैप में इसको स्प्रे करोगे बेस्ट रिजल्ट के लिए। इससे पौधा पर क्लियर, नो फंगस, नो दिक्कत, नो कीट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद लिखा है यूज अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग टू अबाउट टॉक्साइट, टॉक्साइट का मतलब हो गया ये, मतलब आपको क्या करना है इसको अबाउट टॉक्साइट से मतलब बचने के लिए आपको इसको सुबह शाम यूज करना है, सुरक्षा से बचने के लिए, मतलब अच्छी जल्दी ही पौधे को सही करने के लिए, मतलब अच्छा पौधे को उपचार करने के लिए आप शाम में यूज कर सकते हो उसका और सुबह में भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों में से एक टाइम पे। और इसका मतलब ये है कि दोपहर में और शाम में यूज करने का मतलब क्या होता है, जो कीट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे कीट्स होते हैं वो एक्टिव रहने का उनका टाइम यही होता है, क्योंकि गर्मी में धूप में तो वो एक्टिव रह नहीं पाते हैं, तो उनका जो एक्टिव रहने का टाइम है, जो उनकी क्रिया प्रतिक्रिया करने का समय है, वो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता है। तो आप उस समय उसके ऊपर स्प्रे करोगे और वो बहुत ही जल्दी उनको सुरक्षित आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका लिखा है भाई अवॉइड यूजिंग इन फ्लावरिंग स्टेज, जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पे हो तो कोशिश करो इसका यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि उस समय अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो फिर नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया विराजमान होते हैं, वो आप इसको करके उसको डेथ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है कीप इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, इसको यहाँ कैरी करना है आपको, यहाँ रखना है, वहाँ एकदम कोल्ड एंड ड्राई प्लेस पर रखना है, कोल्ड मतलब ठंडा और ड्राई मतलब सूखे स्थान पे, बिकॉज ठंडे स्थान पे इस पर रखोगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, और बहुत अच्छा इसका कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है संगठक, इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, इसके अंदर है नीम ऑयल, पोगमिया ऑयल जो मैंने बोला था, पोगमिया ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल एंड एडिटिव, इम्यूनिसिफायर एंड एडिटिव्स इसके अंदर है, जो क्या होते हैं भाई उसको हिंदी मीडियम हुआ, इसके अंदर आपका नीम ऑयल है, पोगमिया ऑयल है, लेमन ऑयल का तेल एंड
स्पाइसी कारक हैं इसके अंदर विराजमान, जो इसके अंदर जो नीम ऑयल है और पोगनी ऑयल है इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, इसकी पावर को गेन करेंगे एंड संयोजक बना के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका यूज कर सकते हो भाई अपनी पौधों के लिए। एंड मार्केटिंग बाय एक्वा एग्री ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, 284 सुल्तान सदन, L13 वेस्टर्न मार्ग, सरदुल जेब, न्यू दिल्ली, 11110030। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बाई एक्वा एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, 84 सुल्तान सदन, L30N3 वेस्टर्न मार्ग, न्यू दिल्ली की है प्रोडक्ट। ठीक है, ज़्यादा किसी पे अच्छी नहीं लगती अपने को। और भाई ये है जो आपकी 500 ml में, ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो 250 रुपये की है। बैच नंबर वगैरह लिखा है, मैन्युफैक्चर लिखा है, ये लिखा है एक्सपायरी डेट जो है एक्सपायरी डेट लिखा है, यूज विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद ये ख़त्म होगी, उससे पहले ख़त्म होने की भी नहीं है। ठीक है, और इसकी अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये QR जो दिख रहा है आपको, देख सकते हो, इसको एक बार स्कैन कर लोगे आपको इसके बारे में पूरा ब्यूरो आ जाएगा। ठीक है, और बढ़िया अर्बन गार्डन्स के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। और मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो एक कमेंट कर दो, एक प्यारी सी लाइक कर दो, और भाई के चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। फटाफट से लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, फटाफट से इसको गेन कराओ। चैनल बहुत धीमा चल रहा है अपना, मैं मेहनत बहुत दिन और रात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। मैं आपको बहुत प्रोडक्ट रखे हैं मेरे पास इफ़को के, मैं आपको सबकी जानकारी दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, किस तरह से आपको यूज करना है, कौन सा किस फायदे का मतलब का। तो ये डॉक्टर जो नीम है, अब नोटिस वाली भाषा हो गई, इसकी वाली भाषा हो गई, अब मेरी वाली भाषा सुनो, आप क्या करना है आपको, आपको ये नीम ऑयल लेना है मार्केट से, या अगर इफ़ो का मिलता है तो बेस्ट है, क्योंकि ये रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज़ का मतलब क्या हो गया, आपको बस इसका स्प्रे करना है। एक आता है जो वैसा आएगा ना लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या होता है वाटर में मिलाना पड़ता है, परंतु इफ़्को वाला होता है वो वाटर में मतलब घुल जाता है, और अदरवाइज आता है वो घुलता नहीं। पर इसके अंदर जो और भी आइटम मिले हुए, जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया आपका, है पोगनी ऑयल हो गया, तो ये सब ऐसे पुराने तत्व हैं जो पुराने पौधों के ऑयल हैं जो कीट्स मारने के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से यूज किए जाते हैं, तो आप ले सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। सिंगल स्प्रे करना है आपको हफ्ते में एक बार, एक नंबर की चीज़ है भाई, आओ हमारे पास भी मिल जाएगी, अदरवाइज नर्सरी में भी मिल जाएगी, पर अपने प्लांट हाउस को अच्छा बनाना रखना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हो। प्रेमपाल नर्सरी पे आइए और विजिट कीजिए, आपको इफ़्को से रिलेटिव सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाएंगे और आपको हम ही देंगे प्रेमपाल नर्सरी पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक कर दो, बस एक छोटी सी लाइक करनी है वीडियो के लास्ट में, छोटी सी लाइक करके चले जाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई किसी न किसी दोस्त को तो शेयर करो, कम से कम कोई तो मेरा भला करेगा, आप नहीं कर रहे हो तो। ठीक है भाई, जय हिंद।